हाँ दोस्तों, श्रीमान शाह पुलवान सोल्यूशन बैक से। आज हम लोग क्या है कि हम लोग कुछ टैली कस्टमाइजेशन के कुछ मॉड्यूल्स है उसका वीडियो बना रहे हैं। आई होप हम लोग का पुराना वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए चैनल और लाइक एंड शेयर भी कीजिए। नाउ इसमें क्या है, ये जो कस्टमाइजेशन है कस्टम हाउस एजेंट मॉड्यूल के लिए है। कस्टम हाउस एजेंट वो है जो किसी के बिहाफ में अपने पोर्ट से माल को छुड़वा देते हैं। तो वहाँ पे तीन टाइप का इनवॉइस बनता है, एक है सर्विस बिल, एक है रिइंबर्समेंट बिल और एक है ट्रांसपोर्ट बिल। सबसे पहले है इनका जॉब। अब जॉब इन्फो में जाऊंगा, जॉब डिटेल्स एक बना हुआ है, मैं वही दिखा रहा हूँ। अब देखिए मैंने एक जॉब बनाया, इसमें बहुत सारा डिटेल्स है, जॉब डेट क्या है, वेसल नंबर, फ्लाइट नंबर, बी नंबर, बिल नंबर, बी नंबर, आपको उसका डेट क्या है, उसके बाद उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, तो कार्ड नंबर ऑफ कार्टून कितना था, पैकेज क्या था, मास कंटेनर नंबर जो अगर कुछ है तो वो, ये सब कुछ डिटेल्स मैंने दिया है। आप अपने हिसाब से ये मेनू एडिट भी करवा सकते हैं इस कस्टमाइजेशन में। और एक चीज़ दिया हूँ, लोकेशन। इसका मतलब है ये पर्टिकुलर जॉब का जो कागज़ है, अब बहुत सारा कागज़ है, इसको स्कैन करके आपको फोल्डर में रख दिए अपने सर्वर के मशीन का, उसका लिंक लिख देने से, ये स्कैन लोकेशन का बटन मारने से वो फोल्डर ऑटोमेटिक आपके सामने खुल जाता है। क्योंकि मैंने ये लिखा तो ये खुल गया, ठीक है। अब ये हो गया जॉब। आप मान लीजिए आपको बिल करना है, जब बिल करेंगे VF8 सेल्स इनवॉइस, अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए जॉब मारने से ऑटोमेटिक आपका वो पार्टी का नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अकाउंटिंग इनवॉइस हम लोग का, तो ऐसे करेंगे। उसके बाद हम लोग सर्विस चार्जेस, मान लीजिए सर्विस चार्जेस, अच्छा ये 1-2 जॉब रिपोर्ट का मतलब ये है, अगर ये जॉब के अंदर में आपने कोई खर्चा किया है तो वो देख सकते हैं, इसको ये मानने से वो रिपोर्ट में दिख जाएगा। अभी मैंने कोई खर्चा नहीं किया इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो 5,000 रुपये मान लीजिए इसका हो गया, और उसके बाद CGST मैं ले रहा हूँ, उसके बाद मैं SGST लूँगा, ठीक है। और उसके बाद चालान का कॉपी, लॉरी अगर कुछ है, उसके बाद ड्राइवर का नेम अगर कुछ है, कंटेनर डिटेल्स, देखिए वो कंटेनर नंबर मैंने जो दिया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। वो करने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करता हूँ तो संग संग आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेंड ईमेल और नॉट। आप ईमेल करेंगे तो पार्टी को वो इनवॉइस ईमेल ही हो जाएगा, और SMS भी इसके साथ जुड़ सकता है। अब मैं इसको एक बार पेज आउट मोड में लेके प्रिंट आउट मोड में, ये देखिए ये एक फॉर्मेट है, इसमें इस चीज़ में गौर कीजिएगा। ये देखिए ऊपर देखिए, इसमें बी नंबर, डेट, प्रोडक्ट, ये सब डिटेल्स आता है। और ये बार बार आपको एक ही जॉब के लिए बार बार देना पड़ता है, जो कि मास्टर सेव होने की वजह से आपको वो खटना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप अपना अपनी बैंक डिटेल्स दे के अपना खुद का बिल जो है पूरा बना सकते हैं। ये फॉर्मेट एक कंपनी के लिए बनाया गया है, आपके लिए खुद के फॉर्मेट बनेगा। तो ये एक पार्ट हो गया है। आप मान लीजिए आपको रिइंबर्समेंट इन्वॉइस करना है, तो VF8 जाके रिइंबर्समेंट इन्वॉइस करेंगे। सेम तरीके से जैसे जॉब मारेंगे पार्टी आ गया, उसका रिइंबर्समेंट इन्वॉइस आपका बन जाएगा। तो इसका रिइंबर्स नॉर्मल एक इन्वॉइस है, जो पैसा आप उनके बिहाफ में खर्चा किए हैं वो चाहते हैं, ठीक है। वो नॉन GST बिल है, इसी के ट्रांसपोर्ट बिल का ऑप्शन भी है। अब आता हूँ वाइटल पार्ट में। अब ये जो अपना आपका जॉब का मास्टर बन रहा है, ये देखिए उसका एक डिटेल्स आपके पूरे साल के लिए। अब देखिए ये जॉब का डिटेल्स है, और यहाँ पे पूरा डिटेल्स, इसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं कि भाई ये कंटेनर नंबर कौन से जॉब में आया था, कौन से पार्टी का, वो ये ऑप्शन से आप सर्च कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू है यहाँ पे एक्सटेंशन में जाके आप देखिए वेसल डिटेल्स। अब जो जॉब है उसका वेसल डिटेल्स पार्टी को आप ईमेल भी कर सकते हैं, तो पार्टी के पास ये मेल चला जाएगा। IMG डिटेल्स एंड ड्यू डिटेल्स भी मेल कर सकते हैं। अब जॉब प्रिंट। अब जॉब प्रिंट में जाके हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर जॉब का देंगे, तो अब यहाँ पे प्रिंट आउट का बटन से दबाना है। अब देखिए ये जो फॉर्मेट्स हैं, ये तो इसको आप A4 साइज में प्रिंट आउट करेंगे और सिर्फ फोल्डर के ऊपर चिपका देंगे, तो आपको फोल्डर प्रिंट भी करने का दरकार नहीं पड़ेगा, तो वो डिटेल्स वहीं पे रह जाएगा कि ये फोल्डर के अंदर ये मेरा जॉब का फोल्डर है, तो उसके लिए बनाया गया है। तो ये है, और बेसिक टैली का जो रिपोर्ट्स है वो तो इसके साथ अटैच्ड है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऐसे ही कंट्रोल करता है। और आप जो मास्टर बना रहे हो उसके उसमें भी देखिए, पार्टी का मास्टर अगर बना रहे हैं एक्स, तो उनका भी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो वो भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं इससे। और इसके साथ SMS फैसिलिटी है, वो तो मैं बोल ही चुका हूँ। तो ऐसा एक कुछ हम लोग कस्टम हाउस एजेंट के लिए बनाए हैं, तो आपके हिसाब से भी हम लोग बना सकते हैं। और हम लोग का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी वीडियो आने वाला है तो वो देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।